बहुत ही वाहियात क्वेश्चन था। हेलो जी, बहुत ज़्यादा। देखिए, यहाँ आना मेरे लिए बहुत इज्जत की बात है। सो इनफैक्ट आई एम वेरी अनवेंट, सॉरी। इसीलिए मैं आज यहाँ आना चाहती थी, इस इवनिंग का हिस्सा होना चाहती थी। सो आई फील वेरी गुड। अंदर क्या होने वाला है तो फ्यूचर तो नोबडी कैन प्रिडिक्ट। सो आई होप इट विल बी अ ग्रेट इवनिंग। आई गेट टू क्लैप फॉर सम ब्रिलियंट पीपल एंड एंजॉय द वॉल्स। आई थिंक इट्स लाइक यू सेड, इट्स एक्सट्रीमली प्रेस्टीजियस एंड आई थिंक हर एक्टर कभी अपनी पूरी करियर में चाहता ही होगा कि उनको एक बार ये अवार्ड मिले। सो या कहाँ हो, एक ही साथ साइन की थी सारी लास्ट ईयर। यही दैट आई गेस हर किसी चीज़ का एक टाइम होता है, जब जिस टाइम पे जो होना होता है आपकी लाइफ में वैसे ही होता है। सो आई एक्चुअली वॉन्ट टू टेल ऑल द यंगस्टर्स आउट देयर ऑल्सो, डोंट हरी इन टू थिंग्स, डोंट रश इन टू थिंग्स, पुट इन योर हार्ड वर्क, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। कीप वर्किंग हार्ड एंड योर डेस्टिनी विल रिवील इटसेल्फ। बहुत एक्चुअली आई वॉजेंट इन द कंट्री वेन इट हैपेंड। सो एंड जब यूजली आप काम पे बाहर होते हो तो आप इतने सोशल, मतलब मैं इतना सोशल मीडिया पे उस वक्त थी नहीं, तो सॉरी। बट आई थिंक आई गॉट टू नो अ डे लेटर एंड इट्स, आई मीन वॉट कैन आई से, इट्स सो डिस्टर्बिंग एंड इट्स एंड आई एम विद द गवर्नमेंट एंड आर फिल्म फ्रेटर्निटी फॉर वट एवर स्टैंड दे आर टेकिंग। सो या इट्स वेरी शेमफुल। जी आप थे वहाँ पे, कौन लोग? नो नो, आई वॉन्ट टू आंसर दिस, इट्स फाइन। वेल, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है फैंटम घोस्ट लोग हैं, जो अपने स्क्रीन्स के पीछे छुप के वो सब लिखते रहते हैं। जो मैं किसी को, मैं अगर आप जानते हो किसी को या आप थे मेरे साथ, अगर आपने कुछ देखा मुझे ऐसा कुछ करते हुए तो मुझे बोलिए, तो ऐसे क्वेश्चन का मैं ज़रूर आंसर दूंगी आपको। पर यह बहुत ही वाहियात क्वेश्चन था जिसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। थैंक यू। एनीथिंग एल्स? थैंक यू।